अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। आई वेलकम वंस अगेन टू यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट्स। सो गाइस, इस वीडियो में हम यहाँ पे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के रिलेटेड यहाँ पे जो ऑनलाइन काउंसलिंग 25 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही है उसके रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख लेते हैं कि क्या प्रोसीजर रहेगा ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए और जो भी इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रहने वाले हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप भी अगर यहाँ पे बोपी की काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हो, आपको पता है 30 तक इसका जो 7000 प्लस रैंक तक यहाँ पे स्टूडेंट्स को बुलाया है, 30 जो इसका कट ऑफ रहा है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पे अगर आपके भी 30 प्लस आ रहे हैं तो आप भी काउंसलिंग ज्वाइन कीजिएगा और यहाँ पे वीडियो लास्ट तक देखिएगा कैसे यहाँ पे प्रोसीजर क्या रहने वाला है। सबसे पहले इन्होंने बताया फर्स्ट पॉइंट में, सब्जेक्ट टू द लिमिट्स ऑफ और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एज मे बी फिक्स्ड बाय द बोर्ड, जो फिक्स किया है बोर्ड ने यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट इज 7000 रैंक तक, यानी कि 7000 स्टूडेंट्स को बुलाया है। कैंडिडेट हुआ है क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन फिगर ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट शैल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोवाइडेड दे हैव सबमिटेड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बताया गया है बोपी की तरफ से, सच कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू फिल ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म्स एज पर द शेड्यूल एज मे बी नोटिफाइड बाई द बोर्ड। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने होंगे जो यहाँ पे जेके बोपी ने बताया 25th अगस्त से आपको ऑनलाइन जो है प्रेफरेंस फिल करके जो भी आपको कॉलेज या कोर्स चाहिए वो उसकी प्रेफरेंस डाल के आपको फर्स्ट नंबर पे कौन सी चाहिए, सेकंड नंबर पे कौन सी चाहिए वो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस डाल के फिर सबमिट करना है। और यहाँ पे आपको 1000 रुपये यहाँ पे काउंसलिंग फ़ी ऑनलाइन पे करनी होगी, फिर ही आप एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए, फिर ही आपको यहाँ पे कॉलेज अलॉट होगा। उसके बाद ये तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए हो गया, फिर इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा फर्स्ट राउंड के यहाँ पे प्रेफरेंस डालने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद कुछ ही दिनों में आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। फिर आपको सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, टाइम फ्रेम किस टाइम फ्रेम तक कौन सी डेट तक आपको एडमिशन करना होगा कॉलेज में जो भी सिलेक्टीज होंगे। और उसके बाद जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे और एडमिशन करेंगे वही यहाँ पे सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, और जो यहाँ पे सिलेक्ट हो के एडमिशन नहीं करेंगे वो यहाँ पे सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे बताया गया है एलिजिबिलिटी फॉर द सेकंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग इफ़ कंडक्टेड बाई द बोर्ड, ठीक है, सेकेंड राउंड अगर कंडक्ट होगा वो ऑब्वियसली होगा सेकेंड राउंड। इन केस द बोर्ड डिसाइड टू कंडक्ट सेकेंड और थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग थ्रू द ऑनलाइन मोड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन में अकॉर्डिंगली बी नोटेड। पार्ट ए में देखते हैं हम, दैट द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट ड्यूरिंग द प्रीवियस राउंड्स ऑफ काउंसलिंग एंड हैव जॉइन्ड द रेस्पेक्टिव कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस आर नाउ विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड और थर्ड राउंड्स ऑफ काउंसलिंग शैल हैव टू टेक कॉन्शियस डिसीजंस अबाउट देयर पार्टिसिपेशन इन द सेकंड और थर्ड राउंड एज दे शैल हैव टू फर्स्ट सरेंडर द सीट ऑलरेडी अलॉटेड टू देयर फेवर ड्यूरिंग द प्रीवियस राउंड एज दिस सरेंडर्ड सीट शैल बिकम द पार्ट ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर सेकंड और थर्ड राउंड ऑफ अलॉटमेंट ऑफ फ्रेश सीट, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट राउंड यहाँ पे ज्वाइन किया, आपको कॉलेज मिला, आपको वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन करना है, एडमिशन करने के बाद फिर आप सेकंड राउंड में एलिजिबल हो, तो आपको सोच समझ के ये फैसला करना होगा क्योंकि जो आपको पहले सीट मिली होगी फर्स्ट राउंड में वो आपको सरेंडर करनी होगी, उसके बाद ही आप सेकेंड राउंड में एलिजिबल हो। और जो फ़ी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा आप फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला उसमें सबमिट करोगे आपको फिर सेकेंड राउंड में वापस मिलेगी अगर और किसी कॉलेज में आपकी सिलेक्शन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, दैट वन इज द कैंडिडेट सरेंडर हिज आर अर्लियर सीट ही शी शैल बिकम एलिजिबल फॉर फ्रेश राउंड ऑफ काउंसलिंग, जो मैंने बताया आपको सरेंडर करनी होगी सीट फिर आप फ्रेश राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड द सीट ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग बट फेलर टू जॉइन द रेस्पेक्टिव कॉलेज इंस्टीट्यूशन विद इन द प्रेस्क्राइबड पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन फॉर द पर्पज शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द पार्टिसिपेशन। मैंने बताया अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला और अगर आपने एडमिशन नहीं किया फिर यहाँ पे एडमिशन यहाँ पे काउंसलिंग सिलेक्शन होने के बाद तो आप सेकंड राउंड में एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट द कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज्ड टू टच और मॉनिटर रेगुलरली विद वेरियस नोटिस और नोटिफिकेशंस अपलोड बाय द जेके बोपी, ये तो आपको मैं अपडेट कर देता हूँ टाइमली। और यहाँ पे नोट डाला गया है रूल 17 ऑफ द रिजर्वेशन शैल नॉट अप्लाई ड्यूरिंग अपग्रेडेशन अलॉटमेंट राउंड द कैंडिडेट अपग्रेड अलॉटेड और सीट बी रिक्वायर्ड टू जॉइन द कॉलेज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। द कैंडिडेट हु पार्टिसिपेट द फर्स्ट
टू फॉर द फर्स्ट टाइम इन काउंसलिंग शैल हैव टू रिक्वायर टू पे 1000 रुपीज़ टू बिकम एलिजिबल फॉर द अलॉटमेंट। ठीक है, आपको 1000 रुपीज़ काउंसलिंग फी भरना होगा पहले फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, और सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको फिर ज़रूरत नहीं है यहाँ पे काउंसलिंग फी पे करने की। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके मन में और कोई डाउट रहता है इसलिए तो आप यहाँ पे मुझे टेलीग्राम पे बताइए या कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।